योग एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा शरीर के किसी भी अंग में होने वाले दर्द से निजात पाई जा सकती है। जी हाँ, योग के द्वारा हम अपने शरीर को मजबूत तो बना ही सकते हैं, लेकिन शरीर में उत्पन्न समस्या से भी निजात पा सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अजय शर्मा ने बताया कि योग में उठित पाद उत्कट कोणासन एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा घुटना में होने वाले दर्द से निजात पाई जा सकती है। सुबह के वक्त 5 से 7 बार किया जाए तो घुटनों के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आज ज्यादातर लोगों में यही समस्या है। घुटनों के दर्द की शिकायत आज हर एक जन को हो गई है। इसका मुख्य कारण वजन का बढ़ना और खानपान का सही ना होना है। इसलिए यदि रोजाना योग किया जाए तो शरीर में होने वाली किसी भी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अजय शर्मा ने बताया कि ये आसन एक ऐसा आसन है, इसका आकार कुर्सी जैसा बनता है। इस आसन में 10 से 15 सेकंड स्थिर रहकर इसका लाभ लिया जा सकता है। अतः इसका अभ्यास सभी जनों को करना चाहिए। ये आसन देखने में आसान लगता है, लेकिन कठिन आसनों में गिना जाता है। इसलिए इसका नियमित अभ्यास करने से ही इसमें परिपूर्णता हासिल की जा सकती है। अतः इसका अभ्यास सभी जनों को करना चाहिए। नमस्कार, आज हम जिस आसन को करने जा रहे हैं उसका नाम है गोडिस पोज या उत्कट कोणासन। उत्कट कोणासन एक बहुत अच्छा आसन है और उसको करने के लिए सबसे पहले हम अपने जो पैर हैं उनके ऊपर हम बॉडी का बैलेंस लेते हैं। ऐसे इस तरीके से बॉडी के पूरा बैलेंस हमारे पंजों के ऊपर रहता है और पंजों के ऊपर जब बैलेंस हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर हम इस गॉडेस जो पोज है उसको कर सकते हैं। ये पोज हमारे लेग्स के लिए, हमारे घुटनों के लिए विशेषकर लाभप्रद रहता है। नी पेन जितनी होती है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आइए करते हैं उत्कट कोणासन। उत्कट कोणासन के लिए अपनी बॉडी के अनुसार अपने पैरों को इस तरीके से खोल लीजिए और जैसे हम इस तरीके से अपने पैर बाहर की तरफ को उठाने को लिए उसके पीछे थोड़ा सा बॉडी के पंजों के ऊपर हमने इसका भार पूरा भार लिया और फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे कर दिए, ऐसे इस तरीके से और फिर उसके पश्चात जैसे ही हमने पंजे बाहर खोले उसी तरीके से अब हम हाथों को भी उसी पोज में ऐसे इस पोज में रखेंगे और फिर हम बॉडी को जितना इस तरीके से बैलेंस के ऊपर ले आएंगे ऐसे। हाथों को भी खोल भी सकते हैं ऐसे इस तरीके से ऐसे। अब इसका जो पोज बनता है उस तरीके से पंजों के ऊपर वजन ले लेना है और हाथों की स्थिति जो है वो ऐसे रखनी है। इसमें 5 4 3 2 1 फिर आराम अवस्था में फिर दोबारा से अब हाथों को ऊपर ले जाएंगे ऐसे और इस तरीके से नमन की अवस्था में और पैर हमारे पंजों के ऊपर पूरा वजन इस तरीके से आएगा। उत्कट कोणासन नी के लिए, हिप्स के लिए बहुत ही लाभप्रद रहता है और इस आसन को ऐसे हम कर सकते हैं। इसका फाइनल पोज इस तरीके से बनेगा, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, नमन की अवस्था में लेंगे और पैरों को इस तरह से पूरा ऊपर करके और पूरे वेट हमारा इसमें थाई पार्ट के ऊपर और नीज के इस तरह से वेट आएगा और इस तरह से हम इस उत्कट आसन को ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये आसन 5 4 3 2 1 ऐसे इस तरीके से लेंगे। थोड़ा सा घुमा करके देखें तो इस आसन को ऐसे करेंगे, हाथों को दोनों पोजिशन ऐसे और ऐसे इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं ऐसे। इसका फाइनल पोज हम ऐसे ले सकते हैं। तो इस आसन का रोजाना अभ्यास करें और उत्कट कोणासन से नी की जितनी समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो ये आसन बहुत अच्छा है। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।